शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कविता स्टॉप, कविता स्टॉप, उस गाड़ी में ब्रेक खराब है। कविता, कविता, कविता सुनो, कविता, ओह माय गॉड, कविता, कविता सुनो, कविता, सॉरी मिस्टर आनंद किशोर, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। समझ में नहीं आता कि उसने नेहा को किडनैप करने की कोशिश की तो फिर घर पर क्यों ले आई। एनीवे, घबराने की कोई बात नहीं है, स्कूल के प्रिंसिपल और राम दुलारे ने उस औरत का हुलिया बता दिया है और हमने वो इन्फॉर्मेशन सारे थानों में दे दी है। जरूरत पड़ी तो बच्ची के साथ एक हवलदार भी लगा देंगे। थैंक यू मम्मी, प्लीज मुझे स्कूल जाने दो ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बेटा आज आप यहीं खेल लो ना। मगर मैं किसके साथ खेलूं? मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल चले गए। जिद नहीं करते बेटा, जाने दीजिए उसे, आप घबराती क्यों हैं? नहीं वो बस एक बार आनंद आ जाते ना। जाओ बेटा आप राम दुलारी के साथ खेलो। गो, गुड गाइस। लगता है आपको हमारी पुलिस फोर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आनंद नहीं है ना। मैं तो मैं समझता हूँ। एनीवे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जी, नेहा को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू, बाय बाय। बेबी नो प्रॉब्लम, मिल्क इज रेडी। बेबी वो तो तुम्हारे पास ही गई है, देखो अपने कमरे में होगी। मेरे पास वो तो आ नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? रुको, कमिश्नर साहब को रुको, रुको उन्हें। कमिश्नर साहब रुको, निहा, कमिश्नर साहब रुको, निहा, कमिश्नर साहब प्लीज प्रॉब्लम, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब प्रॉब्लम, कमिश्नर साहब रुको प्रॉब्लम। क्या किया भाई? क्या किया था ना? निहा, निहा, बेटा, निहा, निहा। नेहा मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? जी, जिस बच्ची की मां है आप, उसे जन्म मैंने दिया है। ओह माय गॉड, एक बार और सोच लो कविता, मुझे संतान की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सहारे जी लूंगा।
जानती हूँ तुम्हारे इस प्यार की शक्ति ने ही तो मदद की है मुझे ये निर्णय लेने में। कब तक चलने लगेगी? आनंद अभी तो बस 7 दिन की है ये। इनको थोड़ी ज्यादा जल्दी है, ऐसा कीजिए आप इसको गाड़ी की चाबी दे दीजिए, ये हम सबको ड्राइव करके घर ले जाएगी। मम्मी, मम्मी, मम्मी। देखिए मैं नेहा को वापस ले जाने नहीं आई, नेहा आपकी है और आपकी ही रहेगी। मैं तो बस यूं ही एक बार देखने आई थी उसे। I'm sorry, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम ही नेहा की माँ हो? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बस इन आंखों में देख लीजिए। अगर ये झूठ बोल रही हैं, तो उन पर विश्वास मत करना। मगर तुम इस तरह चुप चुप कर नेहा से क्यों मिलती थी? सामने क्यों नहीं आई? डर लगता था कि अगर आप लोगों ने मुझे गलत समझ लिया तो। सोचा था उसे एक बार देखकर वापस लौट जाऊंगी, लेकिन पता नहीं किस चीज ने मेरे पैर थाम लिए। शायद ममता, शायद स्वार्थ, शायद अपना अकेलापन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जिस तरह अचानक आई थी उसी तरह अचानक चली भी जाऊंगी। यहां जब बड़ी होगी तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि मुझ जैसी उसे कोई मिली भी थी। और आप भी उसे कुछ मत बताना। जानती हूं मैंने बहुत परेशान किया है, सच मानिए मैं आपके घर तक कभी नहीं आती, लेकिन मैं कल जा रही थी और बस एक आखिरी बार नेहा को देख लेना चाहती थी। I'm sorry. अनजाने में मैं क्या क्या कह गई ना आपको। I'm really sorry. जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा लगा। नेहा बहुत किस्मत वाली है कि आप जैसी माँ मिली है उसे। पर वो मुझसे ज्यादा तो अपने पापा से प्यार करती है। लगता है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी है। मेरा भी यही ख्याल है। हेलो बेटा। मम्मी आंटी का घर ले चलो ना, मैं अपने टॉयज बताऊंगी। आप ही बोलो ना। नेहा फिर कभी हुँ? नहीं अभी चलो ना, इधर ही तो हमारा घर है। चलो ना, राम दुलारे भी शिकायत कर रहा था उस दिन तुम चाय पिए बगैर ही निकल गई। ओके ये ये कमी से साहब रुको, प्रॉब्लम। अरे देखिए, अरे रामू, बिग प्रॉब्लम, बेबी गायब। कविता, कविता। हाँ सुमो। कविता, नेहा कहाँ मिल गई? नेहा कहाँ? सब ठीक हो गया, यहीं कॉलोनी के पार्क में थी। लोग कर लो बात, ढिंडोरा शहर में और बच्ची बगल में, कमिश्नर के पीछे सारा दूध गिर गया। अभी लाते फ्रेश। साथ में कुछ चाय बिस्किट भी लेना। हाँ अभी लाया मालकिन। क्या कैसे हुआ सब? सुनोगे तो विश्वास नहीं होगा। ये है ना, इसका नाम किट्टू है, बहुत गंदी है, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ तो गंदे कर देती है। अच्छा, और ये पापा लाए हैं, इसका नाम है बारबरा। अरे इसने कहा तुमने मान लिया? कविता तुम नहीं जानती इन गैंग वालों को। मेरी नजर कभी धोखा नहीं देती, देखो ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपके पापा की तरह। ये मेरे पापा थोड़ी है, मेरे पापा तो बैंगलोर में बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो फिर ये कौन है? सोमू अंकल। सोमू अंकल, चलो चलो दूध पियो। पियो ना, मैं तुम्हें गधे की सवारी करवाऊंगा। मुझे नहीं पीना है, मुझे अच्छा नहीं लगता दूध। क्या आपको चॉकलेट अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो आज हमारी बेटी दूध नहीं चॉकलेट पिएगी। आपकी कोई बेटी नहीं है? है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी,
कहाँ है? यही मेरे गोद में बैठी हुई है। मैं तो नेहा हूँ। मेरी बेटी का भी नाम नेहा है। सच? आप रो क्यों रहे हो? पकड़ी गई। मेरी भी मम्मी कभी कभी मुझे प्यार करती है, वो भी रोने लगती है। तुम हो ही ऐसी। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है।